वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों एमएचटी सीडी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन दोस्तों ये चैप्टर है, इसका मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने प्लांट का ही चैप्टर था, प्लांट वाटर रिलेशन देखा था हमने। ओके तो उस चैप्टर के अंदर मतलब ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं था, दो ही वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म हो गया वो। वैसे ही दोस्तों ये चैप्टर भी दो से तीन वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, इसके क्योंकि इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है। ओके आपके कुछ उसके अंदर भी कुछ आपके 12-13 टॉपिक इसके उसके अंदर से इन्होंने सिर्फ एक टॉपिक रखा है आपका, और बाकी सब कुछ टॉपिक उड़ा दिए मतलब डिलीट कर दिए। ओके तो आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करके मतलब अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके बुक के अंदर उन्होंने ज्यादा कुछ बड़ी थ्योरी भी देने रखी है, सिर्फ एक पेज की थ्योरी है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके और सेकंड दिन आपको क्या करना है, मैं आपको जो एमसीक्यू लेने वाला हूँ, एमसीक्यू भी मैं मतलब अच्छे अच्छे एमसीक्यू दूंगा, जो ऐसे एमसीक्यू जो आपको मतलब उस थ्योरी से रिलेटेड है, उस थ्योरी में से मतलब एमसीक्यू अच्छे से जो आपके मतलब इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। ओके और आपको भी मतलब जो आपके एमएससीटी के अंदर पूछने वाले एग्जांपल, ओके वैसे ही एमसीक्यू में लेने की कोशिश करूंगा, और आपको भी उस एमसीक्यू को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा वन शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके तो दोस्तों हमें इस लेक्चर के अंदर, इस वन शॉट वीडियो के अंदर हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ग्रोथ के ऊपर पढ़ना है हमें। ओके ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर पढ़ना है हमें, और यहाँ पे क्या है मिनरल न्यूट्रिशन, और मतलब मिनरल न्यूट्रिशन जो टॉपिक दोस्तों हमारा इस वीडियो लेक्चर के अंदर और इस 2022 के बैच के लिए वो रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके तो वैसे मैंने आपको चैप्टर का नाम तो बता दिया, ये 7 नंबर चैप्टर है आपका। ओके तो थोड़ा जूम इन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ सब टॉपिक्स कौन कौन से आपके यहाँ पे। सब टॉपिक्स के अंदर दोस्तों आपका फर्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ। ओके दोस्तों ये रिलेटेड टॉपिक है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको भी इन सभी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मतलब उनके एटलीस्ट आपको उसके नाम तो पता होने चाहिए ना। ओके आप भले उस टॉपिक को मत पढ़ो, उनके ऊपर स्टडी मत करो, बट आपको उनके नाम तो पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके अगर बायो की फील्ड में जाना चाहते हो। ओके अगर मतलब आई थिंक जाएगी सभी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हैं वो मतलब ज्यादातर बायो की फील्ड में ही जाने वाले हैं, मुझे पता है एमबीबीएस के लिए मतलब बहुत बड़े बड़े फार्मासिस्ट इन सभी के लिए आप जाने वाले, मुझे पता है दोस्तों। ओके तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनके मतलब टॉपिक आपको मतलब याद रखने सिर्फ। ओके अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करो, आपको जब पूरा स्टडी हो जाएगा बायो का, ओके तो आप क्या करो जो डिलेट टॉपिक है उनके ऊपर मतलब उनको भी पढ़ सकते हो सिर्फ, अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ सकती है, मुझे फ्यूचर में इन टॉपिक्स को फिर से पढ़ना पड़ सकता है, तो आपको क्या करना है इन टॉपिक को भी पढ़ लेना है। ओके बाद में मतलब एमएससीटी के बाद पढ़ना है, क्योंकि अभी देखो एमएससीटी के पहले अगर आप पढ़ोगे इन टॉपिक को एक्स्ट्रा के लिए, अगर आपको लगता है वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आपके मतलब ब्रेन के अंदर बहुत ही मतलब मिक्सअप हो जाएगा, मतलब क्या होगा आप जो डिलेटेड टॉपिक नहीं है उनको भी पढ़ोगे और जो डिलेटेड टॉपिक है उनको भी पढ़ोगे, तो वो आपके मतलब स्टडी के लिए स्टडी पर्पज के लिए अच्छा नहीं होता। ओके तो आपको क्या करना है, सिर्फ फिलहाल के लिए आपको जो डिलेटेड टॉपिक नहीं है उनको पढ़ो, और बाद में एमएससीटी होने के बाद अगर आपको लगता है कि पढ़ना है इंपॉर्टेंट है, ओके आपके फ्यूचर के अंदर उसकी जरूरत है उन टॉपिक्स की, तो आप पढ़ लो आपकी मर्जी होगी वैसे। ओके सो हमारा फर्स्ट दोस्तों प्लांट ग्रोथ है, ये आपके चैप्टर के अंदर रिलेटेड है। सेकंड दोस्तों आपका फेज ऑफ ग्रोथ, ये भी रिलेटेड है। थर्ड दोस्तों आपका कंडीशन फॉर ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ। फोर्थ आपका ग्रोथ रेट एंड टाइप ऑफ ग्रोथ, ओके ग्रोथ के रेट और टाइप ऑफ ग्रोथ बताए, ये भी नहीं है हमारे चैप्टर के अंदर, आई मीन हमारे इस साल के लिए। और फिफ्थ दोस्तों हमारा ग्रोथ कर्व, ओके ग्रोथ कर्व ये भी नहीं है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, अभी देखो आप बोलोगे इस टॉपिक को देखिए ऐसा लग रहा है ये मैथ का कोई टॉपिक है, आपको पता है ना मैथ के अंदर आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब चैप्टर से आपको, तो वैसे आप लोग सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। ओके तो ये भी आपको टॉपिक नहीं है। ओके सेकंड दोस्तों आपका डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। आपका 8 नंबर टॉपिक दोस्तों हमारा प्लास्टिसिटी, ये भी नहीं है दोस्तों। सेकंड हमारा ग्रोथ हार्मोन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एमसीक्यू आने के 100% चांस है, क्योंकि यही सिंगल टॉपिक रखा है आपके एमएससीटी बुक के अंदर उन्होंने, बाकी सब कुछ टॉपिक उड़ा दिए, 13 के 13 टॉपिक उड़ा दिए, सिर्फ एक टॉपिक रख दिया। ओके तो वो है आपका 9 आपका ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर हमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे। ओके उनके ऊपर आपको स्टडी करना हो तो आप क्या करो, हमारे जो बुक है आपका 12th स्टैंडर्ड का उसके मतलब उसको रीड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करना ही चाहिए, रीड कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको उसको रीड करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे रीड करोगे अच्छे से आपको एमसीक्यू सॉल्व करते आएगा और आपका अच्छे से स्कोर बनेगा आपके एमसीक्यू के अंदर। ओके तो आपका ये है टॉपिक आपके। ओके सेकंड आपका दोस्तों है फोटो पैराडिजियम, ओके फोटो पैराडिजियम, ओके तो ये आपका रिलेटेड टॉपिक है। 11 नंबर टॉपिक दोस्तों हमारा वर्नीलाइजेशन, दैट इज उसे हम क्या कहते हैं यारोवेजेशन, ओके यारोवेजेशन,
ओके तो इसको ये भी नहीं करना है आपको। सेकंड आपका मिनरल न्यूट्रिशन नहीं करना। थर्ड है आपका, मतलब लास्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल नहीं करना आपको। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ग्रोथ कर्व इन अ प्लांट्स। अब देखो ये टॉपिक भी डिलीटेड है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला क्या बोला है, ग्रोथ कर्व इन अ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ कैसी होते है ये ऐसा बोल रहा है, कर्व कैसी प्लांट की ग्रोथ होने की, प्लांट की कर्व। ओके तो इसके बारे में बोल रहे हैं हमें। तो देखो दोस्तों कैसी ग्रोथ होती है प्लांट की, लॉन्ग फेज। दोस्तों ये क्या होता है, प्लांट का लॉन्ग फेज होता है। सेकेंड इसे बोलते हैं हम लॉन्ग फेज, यही भी लॉन्ग फेज है, और ये है आपका स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं इसे हम, स्टेशनरी फेज बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब आपके ग्राउंड के लेवल में होता है स्टेशनरी फेज, क्योंकि आपका प्लांट ऐसा ग्रो होता है, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। ओके तो थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं अच्छे से क्या दोस्तों हमारा। द ग्रोथ कर्व इज अ प्लांट इन अ टाइपिकल एस सीडेड, दैट इज उसे हम कहते हैं सिग्मोइड बोलते हैं, कर्व विच कैन डिफ्रेंशिएटेड इन टू दी थ्री फेजेस। थ्री फेज के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग ओके सॉरी लैग फेज, लैग फेज ओके, लैग फेज बोलते हैं इसे दोस्तों, यहाँ पे देख लेना लैग फेज, दैट इज बोलते हैं शो स्लो ग्रोथ। लैग फेज मतलब क्या होता है, स्लो ग्रोथ। आपको पता है ना, कोई भी प्लांट अगर जमीन में से अगर हम उसे मतलब पौधे को अगर हम ग्रो करने के लिए रख दे, उसके ऊपर हर रोज पानी डाले, तो दोस्तों वो प्लांट जल्दी ग्रो नहीं होता। ओके मतलब बहुत दिन लगते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब आपके सॉइल में से बाहर निकलता है, तो वो पहले मतलब वो जमीन के अंदर वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसे हम स्लो फेज कहते हैं। मतलब वो स्लो होता है ग्रो जमीन के अंदर, बाद में जो बाहर आता है ग्रोथ, मतलब आपके सॉइल के बाहर आता है, तब वो बहुत ही जल्दी फास्टली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके तो क्या आपके आपके ओके लॉग फेज, ओके यहाँ पे क्या दोस्तों लैग फेज था और ऊपर था लॉग फेज था, सॉरी मैंने आपको मतलब मुझे ए ही लगा, वो लैग ही लगा, दैट इज रैपिड ग्रोथ बोलते हैं हम इसे। और यहाँ पे लास्ट आपका एंड स्टेडी फेज, दैट इज ग्रोथ स्लो स्लो डाउन फेज। ओके ग्रोथ स्लो डाउन फेज बोलते हैं इसे। ओके तो ये सब इसके फेजेस है। ओके तो आई थिंक यहाँ पे हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। सो हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। दोस्तों देखो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर आपका फर्स्ट टू टॉपिक्स पड़ते हैं इसके, फर्स्ट आपका ग्रोथ प्रोमोटर्स, ओके ग्रोथ प्रोमोटर्स, और सेकंड आपका ग्रोथ इनहिबिटर, ओके ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर एंड ग्रोथ प्रोमोटर। अभी देखो ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर आते हैं आपके तीन टॉपिक्स आते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर भी आपके दो टॉपिक्स आते हैं, इनको हम अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। इसके अंदर फर्स्ट दोस्तों हमारा एक्जियंस, ओके एक्जियंस, सेकंड है आपका जिबरलिनियसिस जिबरलिन्स, और थर्ड आपको दोस्तों साइटोकाइनिन। ओके तो ये तीन टॉपिक्स आते हैं। इसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रोमोटर सेल इनलार्जमेंट, प्रोमोटर सेल कैसे होता है, इनलार्जमेंट होते हैं। सेकंड दोस्तों प्रोमोटर इलोंगेशन ऑफ सेल इन स्टीम एंड इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब इंड्यूस इनकी डेवलपमेंट अच्छी सी नहीं होती। ओके मतलब आपको समझ रहा होगा ये क्या बोल रहा है। ओके सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनेसिस, ओके साइटोकाइनिन सॉरी, ओके आई थिंक साइटोकाइनेसिस है। ओके और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलेटेड सेल डिवीजन, स्टिमुलेटेड सेल डिवीजन होती है इनके अंदर। सेकंड दोस्तों हमारा ग्रोथ इनहिबिटर मतलब क्या होता है, इथेलिन, इसके अंदर क्या होता है, इथेलिन और एब्स्टेसिक एसिड। ओके एब्स्टेसिक एसिड और इथेलिन, आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर इसका स्टडी भी किया होगा आपने। इथेलिन के अंदर क्या होता है, प्रोमोटर दैट इज रीप्लानिंग ऑफ फ्रूट, रीप्लानिंग ऑफ फ्रूट, ओके रीप्लानिंग होता है फ्रूट का। और एस्बेस्टिक, ओके एस्बेस्टिक एसिड मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन, हार्मोन कैसे होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। ओके तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ओके जिसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बुक के आपके ट्वेल्थ के बुक के अंदर जाना है और इस चैप्टर को ओपन करना है और ये ग्रोथ हार्मोन का टॉपिक अच्छे से और पूरी केयरफुली से रीड करना है। देखो दोस्तों एक ही टॉपिक रखा है इन्होंने, तो आपको आपका फर्ज बनता है ना एक ही टॉपिक है, तो अच्छे से आपको रीड करना ही पड़ेगा, मतलब आपको अच्छे से रीड करना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलो दोस्तों लास्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अपना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये हमारा मतलब फेमस डायलॉग है। अगर सब्सक्राइब नहीं बोलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, हमारे यूट्यूब चैनल नहीं किसी भी यूट्यूब चैनल, अगर यूट्यूबर सब्सक्राइब नहीं बोलेगा तो क्या मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता ना, और कुछ मजा भी नहीं आता पहले में, मतलब मजा नहीं आता अगर सब्सक्राइब नहीं बोलोगे तो। ओके दोस्तों अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर।